हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट मॉइस्ट और स्पंजी केक। इसको हम बनाएंगे टूटे फूटे बिस्किट से और ब्रेड के बचे हुए किनारी से। खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और बनाने में बहुत आसान है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसको हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। बाउल की जगह पे आप चाहें तो केक टिन ले सकते हैं। तो अब बाउल की साइज़ का मैंने बटर पेपर कट करके रखा है, इसको नीचे बेस में लगा देंगे और अच्छे से इसको भी ग्रीस कर लेंगे और बाउल को ऊपर तक ग्रीस करेंगे, क्योंकि केक फूल के कभी कभी काफ़ी ऊपर आ जाता है तो केक निकालने में आसानी होगी। अब इसको साइड में रख देंगे। अब केक बेक करने के लिए एक कढ़ाही लेंगे और कढ़ाही में रिंग रख देंगे। आप चाहें तो कोई स्टैंड या छोटी कटोरी भी रख सकते हैं। लिड लगा देंगे और लिड के छेद में थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉइल फोल्ड करके लगा देंगे और कढ़ाही गैस पे चढ़ा देंगे प्री हीट होने के लिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ बचा हुआ और टूटा हुआ बिस्किट लिया है। तो यहाँ पे कई तरह का बिस्किट है, आप देख पा रहे होंगे, नमकीन भी है और मीठा भी है। नमकीन बिस्किट बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, नमकीन बिस्किट का मात्रा थोड़ा कम रहेगा और मीठे बिस्किट का मात्रा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे ओरियो बिस्किट भी है, इसको हम अलग कर लेंगे। तो पहले ओरियो बिस्किट को तोड़ के मिक्सी जार में डाल लेंगे और इसका पाउडर बना के इसको अलग रख लेंगे। तो ओरियो बिस्किट का देखिए किस तरह से पाउडर तैयार हो गया है, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी इसको हम साइड में रख देंगे, इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी। और बाकी का बिस्किट भी तोड़ के मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। अब हम लेंगे ब्रेड। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड के दोनों साइड में जो पतला वाला ब्रेड होता है वो लिया है और साथ में ब्रेड की किनारी है, तो इसको भी तोड़ के मिक्सी जार में डालेंगे। आपके पास अगर ब्रेड की किनारी या बचा हुआ ब्रेड नहीं है तो आप ताज़ा ब्रेड भी ले सकते हैं। तो छोटे टुकड़े में पहले हम इसको तोड़ लेंगे और मिक्सी जार में डालेंगे। अगर हम सिर्फ ब्रेड पीसते हैं मिक्सी जार में डाल के तो बिल्कुल बारीक नहीं होता है, लेकिन बिस्किट के साथ पीसेंगे तो बिल्कुल बारीक हो जाएगा ये। अब इसका ढक्कन बंद कर लेंगे और लगभग 2 मिनट तक मिक्सी रोक रोक के चलाएंगे और ब्रेड को बिस्किट को बिल्कुल बारीक कर लेंगे। ये देखिए किस तरह से ये पाउडर जैसा हो गया है। अगर खाली ब्रेड हम पीसते तो इतना बढ़िया नहीं तैयार होता। और ध्यान रखिएगा कि मिक्सी रोक रोक के ही चलाएंगे। आप चाहें तो मिक्सी जार में ही दूध और चीनी सब कुछ मिला के बैटर इसी में तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मेजरिंग कप में रख रही हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि बिस्किट और ब्रेड का पाउडर कितना है और इसमें हम दूध चीनी कितना ले रहे हैं। हल्के हाथ से इसको प्रेस कर देंगे और बराबर करके फिर हम लेंगे। तो यहाँ पे पूरा 1.5 कप ये पाउडर तैयार हुआ है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और 1/2 कप पिसी हुई चीनी। जिस कप से मैंने बिस्किट और ब्रेड का पाउडर लिया है उसी कप से 1/2 कप चीनी है। वैसे मीठा आप अपनी पसंद अनुसार थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे लगभग 1 टी स्पून वेनिला एसेंस और 1 कप मैंने दूध लिया है तो पूरा दूध नहीं लगेगा, थोड़ा सा भी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा दूध नहीं लगता है तो एक साथ ज़्यादा दूध बिल्कुल नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, इसमें और दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 1/2 कप और 2 टेबल स्पून दूध लगा है, बाकी दूध बच गया है। इस बैटर को रेस्ट के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेड और बिस्किट हम बिल्कुल महीन किए हैं। और अब इसको कम से कम 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेटेंगे, जिससे बैटर एयरी और फ्लफी हो जाए और केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी बन के तैयार हो। बैटर आप देख पा रहे होंगे किस तरह से है। अब इसमें डाल देंगे 1 टी स्पून इनो। मैं यहाँ पर लेमन फ्लेवर ले रही हूँ, आप चाहें तो रेगुलर ले सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इनो को मिक्स होने में आसानी हो। अच्छे से और जल्दी से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो बैटर मिक्सी जार में तैयार कर लीजिए तो और आसानी हो जाएगी। तो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम ग्रीस किया हुआ बाउल लेंगे और ये बैटर इसमें डाल देंगे। दो से 3 बार टैप कर देंगे। अब इसको कढ़ाही में रखेंगे।
तो कढ़ाई अच्छे से प्री हीट हो गई है, इसको संभाल के रखेंगे और लिड लगा देंगे। लो टू मीडियम गैस फ्लेम पे कम से कम 25 मिनट तक बेक होने देंगे और बार बार लिड को या जिस भी बर्तन से आप ढक रहे हैं उसको हटा के चेक नहीं करेंगे, नहीं तो केक अच्छे से नहीं फूलेगा। तो लगभग 25 मिनट बाद हम देखेंगे, एक टूथपिक लेंगे और सेंटर में डाल के चेक करेंगे। तो टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो गया है। केक को ठंडा होते ही प्लेट में निकाल लेंगे और इसका बटर पेपर हटा देंगे। तो बहुत बढ़िया केक बना है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी है, ये देखिए। तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ पे मैंने गनाश लिया है, तो ये गनाश मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाया है, इसका वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है, पहले से ही डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो गनाश का बिल्कुल पतला सा लेयर इसके ऊपर लगाएंगे और ये थोड़ा जम गया है क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो बिल्कुल पतला लेयर लगाएंगे क्योंकि काफ़ी मीठा होता है और केक में भी हमने चीनी डाला है, तो बिल्कुल पतला लेयर लगाएंगे ताकि मीठा ज़्यादा ना होने पाए। और अब जो बिस्किट, ओरियो बिस्किट हम पहले से पाउडर बना के रखे थे, इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे, डस्ट करेंगे अच्छे से सब तरफ से, इसको चाहे चम्मच से आप लगाइए और चाहे हाथ से इस तरह से लगाइए, अच्छे से पूरे केक को कवर कर देंगे। इससे केक पे गनाश या ओरियो बिस्किट इस तरह से लगाना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको ऐसे प्लेन ही खा सकते हैं, ऐसे ही खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको डेकोरेट बस इसलिए कर रही हूँ कि देखने में और अच्छा लगे और थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाता है। और नीचे साइड में जो गिरा है इस तरह से करके बराबर कर देंगे प्लेट में ही, तो देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है अभी से ही, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अब मैंने गनाश को एक कोन में भर लिया है, इस तरह से डिजाइन बना देंगे। आप अपनी पसंद अनुसार किसी भी चीज़ से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो बिना डेकोरेट किए ऐसे ही केक खा सकते हैं। तो अब हम कट करेंगे, तो कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, स्पंजी है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत ही बढ़िया केक बन गया है, बचे हुए टूटे फूटे बिस्किट से और बचे हुए ब्रेड के किनारी से और ब्रेड से। तो एक बार इस तरह से बिस्किट और ब्रेड से केक आप भी बनाइएगा, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और बनाने में बहुत आसान है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।